to my channel. My name is Priyanka. I hope you all are doing good. I am back with another video. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट एंड शाइनी एंड हेल्दी दिख रहे हैं। तो गाइज आज मैं इसी का सीक्रेट आपको बताऊंगी। मैं हर मंथ अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करती हूँ, वो भी घर पर ही नेचुरल तरीके से, एंड ये 100% इफेक्टिव होता है। सो गाइज वीडियो में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। केराटिन ट्रीटमेंट एक प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन एंड स्कैल्प पे आउटर लेयर बनाता है। ये आपके बालों को हेल्दी रखता है, सॉफ्ट करता है, सिल्की रहते हैं इससे बाल आपके, एंड आपके बाल शाइनी लगते हैं जैसे कि मेरे इस वक्त लग रहे हैं। ये आपके बालों को स्ट्रेट भी करता है अगर आप इसे हर मंथ करते रहेंगे रेगुलरली। सो गाइज अगर आप ये पार्लर में करवाने जाते हैं तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपके 16 से 17 हज़ार लग जाते हैं, और सबके बस की बात नहीं है इतना ज़्यादा अफोर्ड करने की। सो गाइज आज मैं आपको यही घर पर ही करना बताऊंगी, इसमें सिर्फ आपका 5 से 10 रुपए ही खर्चा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस केराटिन ट्रीटमेंट को कैसे करते हैं एंड कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने से पहले आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं, कितने ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज दिख रहे हैं, शाइन बिल्कुल भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं लग रहे हैं, और नीचे से स्ट्रेट भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे बनाते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम बनाने के लिए आपको 4 बड़े चम्मच राइस लेना है, एनी काइंड ऑफ राइस आप ले लीजिए, मुझे ज़्यादातर वाइट पसंद है तो मैं वाइट ले रही हूँ। देन उसको आपको पका लेना है, मेरे पास पका हुआ राइस था तो मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको इसको एक ग्राइंडर में ऐड करना है, देन उसके बाद आपको इसको पीस लेना है। आप इसमें पानी डाल के ही पीसिएगा अगर आपका चावल सूखा हो तो। मैं इसमें पानी डालना भूल गई थी, फिर मैंने ऑफ कैमरा पानी ऐड कर लिया था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी, यानी कि बेसन। फिर गाइस मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क ऐड करूँगी। देन मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप कोकोनट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। कर लिया है ये देखिए, एंड ये एकदम क्रीमी पेस्ट बन गया है, जैसे पार्लर में हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है वैसे ही बन गई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी क्रीम बनी है। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। चलिए इसको अब मैं बताती हूँ कि बालों में कैसे अप्लाई करते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को अप्लाई करने से पहले आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए, कोई भी ऑयल नहीं रहना चाहिए आपके बालों में। फिर आपको अपने बालों में से छोटे छोटे सेक्शंस को लेना है, एंड देन आपको पूरी लेंथ के बालों में अप्लाई करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप इसको जड़ों से लेके नीचे एंड्स तक आपको अच्छे से अप्लाई करना है। छोटे छोटे सेक्शन में ही आप लीजिएगा ताकि आपके पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके। जब तक मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ पूरे बालों में, तब तक मैं इसका बेनिफिट्स बता देती हूँ। इसमें राइस ऐड है तो राइस आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करता है, राइस आपके बालों को डिटेंगल करता है, राइस आपके बालों को स्मूथ बनाता है, राइस आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, राइस बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, स्प्लिट्स एंड्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। कोकोनट मिल्क में एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं जिससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं। कोकोनट मिल्क हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। कोकोनट मिल्क बाल को कंडीशन करता है, एंड गाइस कोकोनट मिल्क आपके बालों को शाइनी एंड स्मूथ करता है। कॉर्न स्टार्च आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेट करता है, आपके बालों को शाइन करता है, डिटेंगल करता है, ब्राइटन करता है एंड स्ट्रॉन्ग करता है। कोकोनट ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है एंड आपके बालों को हेल्दी, थिकर एंड लॉन्गर बनाता है। छोटे छोटे पार्ट लेके आपको अपने बालों में इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। मैं इसको ऑफ कैमरा अप्लाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 2 घंटे तक रखूँगी। अगर आपको और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 2 घंटे बाद मैं इसको अपने नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लूँगी और कंडीशन कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल रिज़ल्ट के साथ। और आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है, एंड इसने ट्रस्ट मी गाइस मेरे बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया है, शाइनिंग किया है, हेल्दी लग रहे हैं मेरे बाल पहले से। और एक ही यूज़ में इसने बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिया है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, ट्रस्ट मी बहुत 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 अच्छा है। और इसमें सिर्फ आपका 10 से 5 रुपये ही इन्वेस्ट होगा। और आप देख सकते हैं मेरी खोई हुई चमक मेरे बालों में वापस आ गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पे, अपने घर पर एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए, आप मेरा नाम नहीं भूलेंगे अगर इसको आप एक बार अगर ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।